बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ बिग हेलो टू एवरीवन। क्या आपने कभी आईने में खड़े होकर अपने आप से ये सवाल पूछा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा? कब मेरे सपने पूरे होंगे? कब मैं वो सब कुछ कर पाऊँगा जो फिट लोग करते हैं? कब मैं भी महसूस कर पाऊँगा कि फिट होना क्या होता है? सही तरीके से कपड़े पहन के बाहर निकलने का आनंद क्या होता है? अपने शरीर को लेके कब मैं कॉन्फिडेंट फील कर पाऊंगा? कब मैं अपना वजन घटा पाऊंगा? ये जो आग लगी है ना, ये जो वीडियो पे क्लिक किया है ना, उसको कभी भी बुझने मत देना, क्योंकि अगर ये आग बुझ गई ना तो कभी भी जिंदगी में वजन नहीं घटा पाओगे। ये आग ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। अपने आप को जाने बिना ना इस बार हार नहीं माननी। वजन घटाना मुश्किल है, मैं मानता हूँ वजन घटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोटापे के साथ जीना भी मुश्किल है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपका मुश्किल कौन सा है। दूसरों की छोड़ो, अपने आप से पूछो, दिन में कितनी बार आपका दिमाग आपको एहसास कराता है कि अरे भाई पतला हो जा, कुछ कर ले, वरना आगे जाके बहुत पछताएगा। याद दिलाता है कि नहीं आपका दिमाग रोज। कोई एंजल नहीं आने वाला, कोई मैजिक ड्रिंक काम नहीं करने वाली। अगर इस दुनिया में आपको कोई बदल सकता है तो वो शख्स हैं आप खुद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो दिलो दिमाग में आपके आग लगी हुई है वो बस बुझे नहीं, क्योंकि मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि वेट लॉस जिम से शुरू नहीं होता। वेट लॉस जिम से नहीं शुरू होता, वेट लॉस शुरू होता है यहाँ से। अगर ये कमज़ोर है तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आपको कोई नहीं रोक सकता वजन घटाने से, कोई भी नहीं। आज मैं अपने 3 ब्रह्मास्त्र आपको बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने अपने 60 किलो कम किए। अरे एक बार उन लोगों को दिखा दे जो तुझे कहते हैं कि तेरे बस की नहीं है वजन कम करना, अबे तुझसे नहीं हो पाएगा, एक बार उसे दिखा दो बस। और ये चिल्ला के बोल दो उसके सामने, दैट आई एम नॉट अ फैट सो, नॉट अ फैट सो। तुझे अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो तभी तुझे जीत मिलेगी, तभी। ये आमिर खान, भूमि पाडनेकर, अदनान सामी तुझसे अलग है क्या? अगर वो लोग कर सकते हैं ना तो तुम भी कर सकते हो। वो कोई स्पेशल लोग नहीं है, ठीक है, सेलिब्रिटी हैं, बहुत लोग आसपास हैं। अरे मैं तो तुम्हारा ही भाई हूँ, मैं तो तुम में से ही हूँ। अगर मैं अपना वजन घटा सकता हूँ तो यार तुम क्यों नहीं घटा सकते? बहुत आराम से घटा सकते हो। ज़रूरत है बस दृढ़ निश्चय की और इच्छा शक्ति की। बड़ा भाई समझ लो और शुरू कर दो, लग जाओ अपने वजन के ऊपर। थोड़े दिन में खुद को महसूस होना शुरू हो जाएगा, थोड़े और दिन बाद शीशे में दिखना शुरू हो जाएगा, और कुछ दिन बाद सुनना भी शुरू हो जाएगा। जब सुनोगे ना आसपास, अरे यार तू कितना पतला लग रहा है, अरे यार तू कितनी स्मार्ट लग रही है, दुनिया बदल जाएगी। और वो सुख जो है ना, वो कोई इस दुनिया में आपको नहीं दे सकता, मेरा विश्वास करो, कोई नहीं दे सकता। अपने बहानों से ना आगे बढ़ना है, और इस बार शतरंज की तरह, लूडो की तरह सोच समझ के चाल चलनी है। एक सपना किसी प्लान के बिना सिर्फ सपना ही रह जाता है, उसको हकीकत बनाना बहुत मुश्किल है। मैं फिर आपको ये बात याद दिला दूं, वेट लॉस 100 मीटर की रेस नहीं है, ये है मैराथन। और आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लंबी रेस का घोड़ा। खरगोश नहीं बनना कि थोड़ी सी जीत के बाद आराम करने बैठ गए। अगर आराम करने बैठ गए तो कछुआ आगे निकल जाएगा और फिर बचा नहीं पाओगे। यहाँ मुकाबला किसी और के साथ नहीं है, यहाँ पर कछुआ नहीं है, यहाँ मुकाबला है आपका अपने साथ। इट्स कम्प्लीटली यू वर्सेस यू। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो सच ही लिखा होगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। जिस इंसान के पास फिट शरीर है वो इंसान इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुखी इंसान है। करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, क्या फायदा अगर आपका शरीर ही आपके साथ नहीं है तो? सोचो,
बहुत से लोग ये बात कहते हैं यार, वेट लॉस करना तो महंगा सौदा है। अरे एक बार ज़रा पता तो करो कि शरीर को ठीक कराने का क्या सौदा है, तभी तो पता चलेगा कि वेट लॉस करना महंगा सौदा है या सस्ता सौदा है। पता तो करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि ज़िंदगी इसी शरीर के अंदर बितानी है, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। क्या परिवार, क्या दोस्त, क्या बीवी, क्या बच्चे, सब पीछे रह जाएंगे। जो आपके साथ चलेगा ना, वो है आपका अपना शरीर। आपका शरीर एक बैग की तरह है, ध्यान लगाओ। जब ट्रेन में जाते हो, जब फ्लाइट में जाते हो, जब बस में जाते हो, अगर ज़्यादा सामान होता है तो कितना दिमाग पे जोर पड़ता है, वहीं अगर एक बैग है तो आराम से सफ़र कट जाता है। आपका शरीर भी उसी बस्ते की तरह है, उसी बैग की तरह है। आज मुझसे वादा करो कि आप अपना वजन घटाना शुरू कर दोगे। सबूत के साथ नीचे जाओ और कमेंट करो कि आज से मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा। जो भी बोलना चाहते हो, दिल में जो भी आता है, नीचे जाओ और कमेंट करो, और 3 महीने बाद आके उसको दोबारा पढ़ना। सबसे झूठ बोल सकते हो इस दुनिया में, याद रखना दोस्तों, सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। लिख दो नीचे कमेंट करके कि क्या करना चाहते हो अगले 3 महीने में। सेलिब्रिटीज़ को देखो, देखो जाके आमिर खान को, देखो जाके भूमि पाडनेकर को, अदनान सामी को, और जिस जिसने भी अपना वेट लॉस किया है, हम लोग उन्हें फॉलो तो बहुत अच्छे से करते हैं, उनकी पिक्चरें देखते हैं, लेकिन हमें सीखना भी है उनसे। सीखेंगे नहीं तो देखने का फ़ायदा क्या। अगर एक चीज़ सीखना चाहते हो ना इन सेलिब्रिटीज़ से, तो सीख लो। और पता क्या है वो है डिसिप्लिन। आपके आगे पीछे 500 लोग हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो 500 लोग वेस्ट हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लोहे को ना पहले गर्म करना पड़ता है और फिर जोर से चोट मारनी पड़ती है, तो अपने अंदर की आग को बंद नहीं होने देना। बस अभी ना मैं अपने 3 ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैंने अपना वजन घटाया, और मुझे पक्का यकीन है अगर ये 3 ब्रह्मास्त्र आपने अच्छे से फॉलो किए ना, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती वजन घटाने से। पहली चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, लोगों के दिमाग में ये गलत चीज़ें डाली गई हैं कि यार पतला होना है ना तो कम खाना शुरू कर दे। कम नहीं खाना खाना, सही तरीके से खाना खाना है, बैलेंस डाइट के साथ खाना खाना है। अगर बैलेंस्ड नहीं है लाइफ में ना, तो कुछ नहीं हो सकता। नेचर को ही देख लो, हर चीज़ का बैलेंस बना के चलती है। जब जब इंसान ने अपना बैलेंस खोया है, तब तक उसको चोट मिली है। कोई भी शरीर में दिक्कत होती है तो सबसे पहले ये बोला जाता है तेरी बॉडी के हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो गया, इम्बैलेंस हो गया। बैलेंस ही एक तरीका है आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले ध्यान रखो, खाने में बैलेंस क्रिएट करना है, कम नहीं करना। और फैट डाइटिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचना। चैनल का मकसद ही यही है मेरे, कि कोई फैट डाइटिंग को कभी भी प्रमोट ना करूं। और फिर मैं आपको ये बात बता दूं, अपनी डाइट नहीं बदलनी, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है। जब लाइफस्टाइल बन जाएगा ना, तो डाइट अपने आप बदल जाएगी। दूसरी बात, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, दिमाग से ये कन्फ्यूजन निकाल दो कि जिम अच्छा है वेट लॉस के लिए, रनिंग अच्छी है वेट लॉस के लिए, स्विमिंग अच्छा है वेट लॉस के लिए, योगा अच्छी है वेट लॉस के लिए। हर चीज़ ख़राब है, हर चीज़ ख़राब है। अच्छी वो चीज़ है जो आपके लिए काम करती है। अगर आपने स्विमिंग करके वजन घटा लिया तो आपके लिए स्विमिंग अच्छी है, अगर आपने रनिंग करके वजन घटा लिया तो आपके लिए रनिंग अच्छी है। अगर आपने दौड़ लगाई और दूसरे इंसान का वजन नहीं कम हुआ, आपका वजन कम हो गया, तो आपके लिए दौड़ अच्छी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए अच्छी है। वो एक्सरसाइज चुनो जो आपको करना पसंद है और आपके लिए काम भी करती है। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। वेट लॉस में अपनी डाइट अपनी अच्छी कर ली, एक्सरसाइज में आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर 2 दिन के लिए किया तो क्या किया। कंसिस्टेंसी बनाना इस दुनिया की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब कंसिस्टेंसी आएगी तब डिसिप्लिन आएगा, जब डिसिप्लिन आएगा तो लाइफस्टाइल बदलेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरा विश्वास करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक। मैं आशा करता हूँ इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी। अगर मिली है मोटिवेशन, तो अब आपकी बारी है मुझे मोटिवेट करने की। लाइक का बटन दबाओ, नीचे कमेंट करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ। और मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना वजन शांति से अच्छे तरीके से घटा लें, मेरी यही आशा है। अगर एक इंसान भी ये वीडियो देखने के बाद प्रेरित हो गया और उसने अपना वजन घटा लिया ना, तो मेरे चैनल बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बस।
यही मेरा मकसद है। शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने आप तक नॉलेज रखनी नहीं है, आपको दुनिया तक ये बात पहुंचानी है। अगर मैं भी ये सोच के बैठ जाता कि मुझे किसी को नहीं बताना वेट लॉस के बारे में, तो बात ख़राब हो जाती। पसंद आई ये वीडियो तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज़ आर फैमिली। थैंक यू सो मच।